हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बताएंगे कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राएं अपने डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें व अपने डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर के सर्च बार में csjmu.ac.in वेबसाइट सर्च करेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का होम पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल में आप कई टैब्स देखेंगे, होम, यूनिवर्सिटी, गवर्नेंस, एकेडमिक्स, स्टूडेंट, IQAC, फैसिलिटी, एफिलिएशन, रिसर्च, एलुमिनी, ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, मीडिया, लॉगिन। आप इसमें कई सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें डिग्री सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टूडेंट्स सेक्शन पर जाना है। इसमें हमें फेसलेस स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करना है। इसमें हमें डिग्री, मार्कशीट, प्रोविजनल, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट को चूज करना है। चूज करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपकी लॉगिन आईडी होगा, उसको आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर फिल किया था उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन आईडी का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप लेफ्ट साइड देखेंगे फॉर स्टूडेंट, इसके नीचे आप देखेंगे डैशबोर्ड, अप्लाई फॉर सर्विसेज, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, रिप्रिंट एप्लीकेशंस, डाउनलोड सर्टिफिकेट, रीपेमेंट एप्लीकेशन स्टेटस, ड्यू या एडिट प्रोफाइल। आप इसमें देखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट सर्विसेज के बारे में, अप्लाई फॉर डिग्री, मार्कशीट, करेक्शन, माइग्रेशन, प्रोविजनल, ट्रांसक्रिप्ट। इसमें से आपको कई सारे टैब्स शो हो जाएंगे। अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आप यहां देखेंगे कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको रीड कर लेना है। हिंदी नाम ध्यान पूर्वक और सही भरें, पासपोर्ट फोटो 50 KB के अंदर ही अपलोड करें, डॉक्यूमेंट 200 KB से कम की और पढ़ने योग्य साफ ही अपलोड करें, रोल नंबर एवं पासिंग ईयर की जानकारी सावधानी और सही भरें, एनवायरनमेंट पासिंग ईयर का चयन। ये इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आप नीचे की ओर जाएंगे, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल मिलेगी, कोर्स नेम, पार्ट, सेमेस्टर में एनरोलमेंट नंबर फिल होगा, आपका रोल नंबर लास्ट ईयर का फिल होगा, नेम में फादर्स नेम, एग्जाम टाइप, ईयर और जो जिस डिवीजन से आप डिग्री में पास हुए हैं वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे रिजल्ट भी आपका शो हो जाएगा। इसके बाद आपको पोस्टल इंफॉर्मेशन में अपनी पोस्टल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, ईमेल आईडी आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी वो शो हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी शो हो जाएगी। आपको यहाँ अपना पोस्टल एड्रेस फिल करना है। पोस्टल एड्रेस फिल करने के बाद अपना पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद स्टेट में ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्टेट चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद अपना सिटी चूज करेंगे। सिटी चूज करने के बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम हिंदी में फिल करेंगे। अगर आपके पास गूगल इनपुट टूल्स है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नाम फिल करेंगे हिंदी में। आपका नाम हिंदी में फिल हो गया है। इसके बाद यहाँ से पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, लेकिन इसका साइज 50 KB होना चाहिए और फॉर्मेट JPG में होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी फोटो चूज कर लेंगे। यहाँ से आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल करेंगे, फोटो अपलोड हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, कोर्स इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे सीरियल नंबर दिया होगा, कोर्स का नाम ऑलरेडी फिल होगा, डिटेल आईडी फिल होगी, पार्ट फिल होगा, एग्जाम टाइप ऑलरेडी फिल होगा। इसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना होगा, यहाँ पे अपना पार्ट फर्स्ट का रोल नंबर, पार्ट सेकंड का, पार्ट थर्ड का। इसके बाद पासिंग ईयर आपको फिल करनी होगी। इसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज पेपर का आपको यस नो करना है, किस ईयर आपने पेपर दिया है इन्वायरमेंटल का। अगर आपने फर्स्ट ईयर में दिया है तो यस करेंगे, अगर सेकंड ईयर में दिया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद अपना कॉलेज का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज कर लेंगे इसी तरह। इसके बाद आप अपलोड मार्कशीट चूज फाइल करके अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की, इसके बाद पार्ट सेकंड की, इसके बाद पार्ट थर्ड की। मार्कशीट अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे फाइनल सबमिट का बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे। दोस्तों आपके सामने प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसको आप ओके कर देंगे। इसके बाद आप डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। डैशबोर्ड पर देखेंगे आप अप्लाई फॉर डिग्री, मार्कशीट करेक्शन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, ट्रांसक्रिप्ट, इन सभी के लिए आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन सर्विस,
इसमें आप देखेंगे डॉक्यूमेंट सर्विसेज। इसके बाद आपके सामने अगर आप डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप टिक करेंगे। अगर डुप्लीकेट डिग्री के लिए, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए और ट्रांसक्रिप्ट सिंगल कॉपी जिसके लिए भी आपको यहां से आवेदन करना है उसको आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये कोई भी फॉर्मेट में हो, पीडीएफ हो, जेपीजी हो और साइज इसका 200 के भी होना चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहां से आप देख लेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें नीड होगी। स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, आपके फोटोग्राफ स्कैन करनी होगी। स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल करेंट मार्कशीट, मार्कशीट की फोटोकॉपी यहां पे अपलोड करनी होगी जो आपकी फाइनल ईयर की होगी। इसके बाद स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड की कलर कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहां आपको शो हो जाएगा टोटल अमाउंट, पे टोटल अमाउंट यहां से आप देख सकते हैं किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं और उसका टोटल अमाउंट यहां शो हो जाएगा। अगर डिग्री के लिए कर रहे हैं तो 200 रुपए आपको पे करने होंगे। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप इसको सेव्ड कर देंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगर आपको रिप्रिंट एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन शो हो जाएगा जिसको आप रिप्रिंट कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट होने के बाद, डिग्री डिस्पैच होने के बाद यहाँ पे डिजिटली साइंड डिग्री को अपलोड कर दिया जाएगा जिसे आप यहाँ से देखवा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर आपकी पेमेंट नहीं हो पाई है तो यहाँ से आप रीपेमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें जिससे जिन लोगों को भी डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है वो सभी घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के थ्रू कर सकें और यह जानकारी सभी के काम आएगी। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।